धतूरा जो कि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं यह सेहत के लिए भी काफी लाभदायक होता है। जी हाँ, यह धतूरा आप के शरीर पर काफी प्रभावशाली और काफी लाभदायक होता है। तो धतूरा प्रायः देवों के देव महादेव शिव जी का प्रसाद स्वरूप लोग भोग लगाते हैं, धतूरे का, भांग का, ये सभी जानते हैं, बेलपत्र का। तो कई बार हम लोग चढ़ाते तो हैं लेकिन उसके औषधीय गुण के बारे में नहीं जानते। आखिर भगवान बेलपत्र क्यों स्वीकारते हैं इतना चाव से, भगवान धतूरा क्यों स्वीकारते हैं, भगवान अकवन क्यों स्वीकारते हैं, भगवान भोलेनाथ को आप कांटे देते हैं, भगवान भोलेनाथ को भांग देते हैं, धतूरे देते हैं, बहुत अनर्गल चीज आप देखेंगे उठा करके तो भोलेनाथ को सब वही सब देते हैं, और विषपान किया है उन्होंने। तो सबके पीछे कारण है, धतूरा एक बहुत ही अच्छा औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग अलग अलग रूपों में अलग अलग रोग से, रोगों के हित के लिए उसको ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं अगर आपको बताऊं तो धतूरे का बीज का उपयोग पुरुषत्व की जो क्षमता जिनकी कम हो जाती है, पुरुष रोग जैसे गुप्त रोग जिसको कहते हैं आम भाषा में, तो गुप्त रोग जिनको हो तो धतूरे का उपयोग उसमें किया जाता है। उसके पाउडर को एक संभावी मिश्रण मिला करके कुछ और अन्य औषधियों के साथ मिला करके उसका सेवन, ये बहुत अच्छा कारगर है वो, उसके बीज और पत्ते का इस्तेमाल होता है धतूरे का। फिर जोड़ों के दर्द में उसके बीज का, उसके मतलब धतूरे का पूरा फल ले लीजिए उसका बीज के साथ, और उसको तेल में पका करके जोड़ों के दर्द में मालिश करते हैं, उसके जड़ों के साथ मालिश करते हैं धतूरे का, तो घुटने के दर्द, कमर के दर्द है ना, और कंधे के दर्द, सर्वाइकल पेन है तो हल्के हल्के मालिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका दर्द अरे ठीक हो रहा है। और ऐसी दवाइयां हमारे तो घर में ही थी, ऐसी दवाइयां तो हमारे घर में थी और हम इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे। तो बालों के लिए और घाव, इसके पत्ते जो होते हैं इसके पत्ते को पीस करके, अगर आपका कोई घाव है जो जख्म है जो सूख नहीं रहा है तो उस घाव में इसके पत्ते का अगर आप रस डालते हैं नियमित रूप से तो वो घाव बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो घावों में, बालों के लिए, चेहरे के लिए, चेहरे में जैसे घाव है ब्रोंकाइटिस है तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। धतूरे के बीज के बारे में मैंने बताया, फल के बारे में बताया कि जोड़ों के दर्द में और पुरुष के रोगों में, जबकि खाया जाता है वो, खाने में इस्तेमाल होता है वो चीज। बहुतों को लगता है अरे धतूरा खाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परिमाप होना चाहिए, एक चिकित्सकीय परामर्श होना चाहिए और एक उचित परिमाप में आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होता और उससे आपको बहुत लाभ मिलता है।